शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की। भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल को बड़ा बनाने में मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बताया जा रहा है कि मूवी की शूटिंग तय समय से आगे खींचने वाली है। जुलाई तक मूवी की शूटिंग पूरी हो जाएगी। 15 अगस्त 2024 को फिल्म को सिनेमाघरों में उतारने का प्लान था। ये तो मेकर्स ऐसे में सलार वाली स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, फिल्म की रिलीज के बाद उसे प्रमोट किया जाए वरना उसकी रिलीज डेट को आगे खिसकाया जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर पुष्पा 2 पोस्टपोन होती है तो उसकी डेट जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा ले लेगी। उम्मीद है कि पुष्पा 2 के मेकर्स जल्द ही इस पर अपडेट देंगे। बाकी मूवी की कहानी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। अल्लू अर्जुन का किरदार पुष्पा राज जापानी स्मगलर से लड़ेगा। उनसे बातचीत करने के लिए वो जापानी लैंग्वेज का यूज़ भी करेगा, यानी अल्लू अर्जुन फिल्म में जापानी बोलते वाले हैं। पुष्पा 2 में अपनी शूटिंग टाइमलाइन से आगे खिसकती ही रही है। बीते दिसंबर में मूवी के एक्टर जगदीश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। जगदीश ने फिल्म में पुष्पा की दोस्त का रोल प्ले किया था। उन पर एक जूनियर आर्टिस्ट को सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप है। जगदीश को पंजा गुट्टा पुलिस ने 6 दिसंबर 2023 को अरेस्ट किया था और उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया। उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट की कुछ निजी फ़ोटोज़ खींची थी, बाद में उन फोटोज़ को भी सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी दी। इसी प्रेशर में आकर 30 वर्षीय जूनियर आर्टिस्ट ने नवंबर 29, 2023 को आत्महत्या कर ली। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि जगदीश द्वारा की गई टॉर्चर की वजह से जूनियर आर्टिस्ट ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जगदीश और जूनियर आर्टिस्ट काफ़ी साल पहले रिलेशनशिप में थे, हालांकि कुछ वक्त बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। पुलिस रिपोर्ट्स का कहना था कि जगदीश ने जूनियर आर्टिस्ट की कुछ इंटरनेट फोटोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लिए थे, वो लगातार उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। केस फाइल होने के बाद ही जगदीश फरार थे। पुलिस की तलाश और छानबीन के बाद उन्हें आईपीसी की धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया गया। हालांकि मामले की जांच चलते पुलिस ने जगदीश को अभी रिमांड पर भेज दिया है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जगदीश जमानत पर बाहर आए थे। उन्होंने पुष्पा 2 के लिए अपने हिस्से की शूटिंग की। बताया जाता है कि इस दौरान वो क्रू में किसी से बातचीत नहीं किया करते थे। खैर अब आप बताओ कितने एक्साइटेड हो पुष्पा को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।